आज हमारा चॉकलेट का थर्ड वीडियो है, जो कि आज मैं आपको व्हाइट चॉकलेट के बारे में बताऊंगी, जिसको मैंने आपको पहले नहीं खोल के दिखाया था। तो ये मेरे पास व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड है। व्हाइट चॉकलेट है वो सबसे ज़्यादा डेलिकेट होती है। इसको आपको परचेज करते टाइम ये ध्यान में रखना है कि ये पुरानी बनी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि पुरानी बनी हुई चॉकलेट होगी तो फिर आपको मेल्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम है वो फेस करनी हो सकती है। व्हाइट चॉकलेट है वो टेस्ट में है वो स्वीट होती है, तो इसके साथ हम डबल कलर में भी इसको बना सकते हैं, यानी डार्क और वाइट का मिक्स करके भी बना सकते हैं। और कलर्ड जितने भी चॉकलेट बनती है वो वाइट के साथ ही बनती है। तो अब ये सवाल उठता है कि कलर हमें कौन सा यूज करना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कलर्स। व्हाइट चॉकलेट के अंदर हम टू टाइप के कलर्स है वो यूज कर सकते हैं। एक तो होते हैं पाउडर कलर। तो पाउडर कलर है वो आप परचेज करते टाइम ये देखना है आपको कि वो चॉकलेट सोल्यूबल है वो होने चाहिए। इसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा चॉकलेट एंड क्रीम सोल्यूबल कलर, तो यही देख के ही आपको खरीदना है। ये मेरे पास मंगाराम ब्रांड का है। दूसरा है मेरे पास ये कलर मिस्ट है, तो ये है चॉकलेट कलर, यानी इसके ऊपर लिखा हुआ होगा चॉकलेट में यूज करने वाले कलर है, तो आपको ये देख के परचेज करना है। एक होते हैं ये जेल कलर। आपको चॉकलेट में कोई भी वाटर बेस्ड कलर है वो यूज नहीं करना है। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है और ये हमारा वाइट चॉकलेट है। अब हमें इसका प्रोसेस है वो मेल्टिंग का वही रहेगा जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो इसको हमें पहले छोटा छोटा चॉप कर लेना है और उसके बाद में मेल्ट करना है। तो ये अब मैं इसको चॉप करके लाती हूँ और फिर आपको आगे दिखाती हूँ। मैं अपनी चॉकलेट को एक बाउल में ट्रांसफर कर देती हूँ। देखिए नीचे से चॉकलेट है वो हमारी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। ये हमारी कंप्लीट देखिए मेल्ट हो चुकी है। तो ये वाला ब्रांड बहुत अच्छा है, देखिए कितने अच्छे से मेल्ट हुई है। तो अब हम इसकी चॉकलेट है वो बनाएंगे। इसको मैं बना रही हूँ मिंट फ्लेवर में। तो यहाँ मैंने एक बोलो चॉकलेट है उसको क्रश कर लिया है, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी और थोड़ा सा डालूंगी मैं ये ग्रीन कलर जो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ आप एसेंस है मिंट का वो भी यूज कर सकते हो, वो ऑयल बेस है वो होना चाहिए। इसको मैं कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स। यहाँ हमें चम्मच को उल्टा करके और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसी तरह रसमलाई वगैरह की मैंने बहुत सारी वीडियोज है वो पहले अपडेट है वो कर रखी है, आप जाके और मेरे चैनल पे देख सकते हो। यहाँ मेरे को डिटेल में आपको बताना था तो ये मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ चॉकलेट के बारे में। तो मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर सा कलर है वो हमारे व्हाइट चॉकलेट के अंदर आ गया है। इसको मैं डाल देती हूँ मोल्ड में। यहाँ पर मैंने हार्ट शेप का ही मोल्ड लिया है और मैं इसमें पोर कर देती हूँ।
इसको हमें टेप टेप कर लेना है और इसको रख देती हूँ मैं फ्रिज में सेट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे ड्यूल कलर में, यानी ब्लैक और वाइट है वो दोनों तरह की चॉकलेट है, वो हम मिलाकर बनाएंगे। तो ड्यूल कलर में आप कैसे बनाना है वो बताऊंगी। तो यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट है वो मेल्ट कर ली है, तो पहले मैं मोल्ड में हाफ फिल करूंगी डार्क चॉकलेट को। डार्क चॉकलेट थोड़ी सी बीटर टेस्ट में होती है और वाइट है वो स्वीट में, तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगता है। तो इस तरह मैंने इन सब में फिल कर दी है, हाफ फिल किया, और अब मैं इसको रख रही हूँ फ्रिज में सेट होने के लिए। जब ये सेट हो जाएगी तो उसके बाद में हम इस पे ऊपर डालेंगे व्हाइट चॉकलेट। डार्क चॉकलेट हमारी सेट हो चुकी है, तो मैं इसके ऊपर पोर कर देती हूँ व्हाइट चॉकलेट। इस तरह मैंने सब पे पोर कर दी है व्हाइट चॉकलेट, इसको भी मैं टैप टैप कर लेती हूँ। और इसको रख देती हूँ मैं फ्रिज में सेट होने के लिए। तो चॉकलेट है वो हमारी सेट हो चुकी है, फ्रिज में रखे हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। सेटिंग टाइम है वो मौसम के अकॉर्डिंग है, यदि समर्स हो तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो देखिए मैं इसको डिमोल्ड करती हूँ, आसानी से डिमोल्ड हो जाती है जैसे ही हम इसको उल्टा करेंगे, देखिए। और इसकी शाइन देखिए, आपको देखिए कितनी अच्छी शाइन है, बहुत ही प्यारी सी लग रही है। आप बनाएं, और ये वाली मैं और डिमोल्ड कर लेती हूँ। मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ इसकी शाइन है, वो देखिए। तो ये ड्यूल कलर में, और मैं आगे आपको बहुत सारी वैरायटी है वो आगे बताती रहूंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपको क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ। तो आप शुरू से वीडियो देखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।